हेलो स्टूडेंट्स, हम आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका यूज़ आप लगातार करते रहेंगे, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। और उस टॉपिक का नाम है वेक्टर्स। तो वेक्टर्स जो है एक ऐसा टॉपिक है जिसका जो यूज़ होता है वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में लगातार होता रहता है। तो वेक्टर्स को शुरू करने से पहले हम एक बात के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे कि नीड क्या है वेक्टर्स की, ज़रूरत क्या थी। तो ज़रूरत की यदि बात करें तो जब आप एक लाइन के अलोंग मोशन को डील करते हो, यदि कंसिडर करते हैं कि आपने मोशन ली, ये ओरिजिन था, आप यदि एक लाइन स्ट्रेट लाइन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी हुई, इनको यदि आप लोग एक्सेलरेशन हुआ, इन चीज़ों को यदि इनकी डायरेक्शन बताना चाहोगे तो आप सिंपली बता सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की मदद से। इन द केस ऑफ ए मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, यहाँ आप लोग यदि वन डायमेंशन की बात करते हो तो सिंपली आप पॉजिटिव और नेगेटिव से उसको बता सकते हो, लेकिन यदि प्लेन की बात करते हो तो उसको डायरेक्शन बताने के लिए आप लोग सिर्फ इन दो चीज़ों से काम नहीं चलेगा। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ी ताकि हम जो डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको एक प्लेन के ऊपर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। तो दो ही प्रकार की जो क्वांटिटीज़ होती हैं, या तो वो क्वांटिटी मिलेगी स्केलर क्वांटिटी होगी या फिर वेक्टर क्वांटिटीज़ होगी। तो स्केलर क्वांटिटीज़ वेल नोन, हमें पता है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और मैग्नीट्यूड हम पहले डिस्कस कर चुके, एक न्यूमेरिकल वैल्यू जिसके साथ एक यूनिट होती है। तो द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। और उसके अपोजिट वैक्टर क्वांटिटीज किसको बोला जाएगा, वैक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी है और जिनकी डायरेक्शन भी है। मतलब ये दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है और साथ में डायरेक्शन भी है इनकी। मैग्नीट्यूड और साथ में क्या है, डायरेक्शन है। और ये वेक्टर लॉज का को फॉलो भी करती है, को ओबे भी करती है, and also obeys vector laws, ये vector के नियमों का पालन भी करती है, इसलिए इनको consider किया गया है। scalar quantity जैसे time हो गया, time की कोई direction नहीं, हम कभी एक चीज़ नहीं बोलेंगे कि 2 सेकेंड है north की तरफ या 5 सेकेंड south की तरफ। तो time does not require एनी डायरेक्शन, मास हुआ, मास की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। लेकिन कुछ क्वांटिटीज है जैसे वेलोसिटी हो गई, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, इन चीज़ों के साथ आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ती है और इसीलिए इनको कंसिडर किया गया है, वैक्टर क्वांटिटीज कंसिडर किया गया है। तो यहाँ वैक्टर्स की कुछ टाइप होती हैं। सबसे पहले हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, किसी भी वैक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करा जाएगा, तो आप कह सकते हो कि कंसीडर ए वेक्टर ए, यदि आप लिखना चाहते हो तो वेक्टर ए को ऐसे लिखा जाएगा, ए और उसके ऊपर एक एरो यदि लिख देते हो तो इसको पढ़ा जाएगा ए वेक्टर, या फिर आप इसको पढ़ोगे वेक्टर ए। अच्छा, तो रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग एक लाइन ले ली और उसके ऊपर एक एरो लगा होगा, तो ये जो हेड हो गया और ये है उसकी टेल, ये कंप्लीट जो है ये लाइन है, ये रिप्रेजेंट करती है किसको, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। यहां पर ये जो एरो हेड है ये डायरेक्शन को शो करता है, शोज डायरेक्शन, शोज डायरेक्शन। जबकि ये जो लेंथ थी, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी, ये बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, ये क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। जैसे आपको फॉर एग्जांपल
आपको वेलोसिटी इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, इसको आपने रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे कि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर, आपको मैग्नीट्यूड दिया गया है 40 किलोमीटर पर आवर और डायरेक्शन भी बताई गई है टुवर्ड्स नॉर्थ। तो कैसे करेंगे हम, क्या करें, ये डायरेक्शन बताएगा, ये नॉर्थ है आपका, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो आप क्या करें, आप यहां नॉर्थ की तरफ स्टेप्स लेंगे। कितने स्टेप्स ले लिए मैंने, 4 स्टेप ले लिए। हर जो ब्लॉक था वो कितने को मेजर करेगा, मान लो ये 10 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी को मेजर करता है, तो लेंथ कितनी होगी इस वेक्टर की, 4 यूनिट्स। इसका एक जो यूनिट थी वो कितने को मेजर कर रहा है, ये एक जो यूनिट थी वो कितने को मेजर कर रहा है, मान लो कि ये सेंटीमीटर ही है, तो 1 सेंटीमीटर जो लेंथ थी यहां वो कितने को मेजर करेगा, 40 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन बता दी, आप 4 सेंटीमीटर लेंगे, 1 2 3 4, टोटल कितने वेलोसिटी होगी, 40 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन ऊपर की तरफ एरो लगाने से बता दी जाएगी। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो हाउ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड। अब इस वेक्टर के अंदर कुछ बेसिक से वेक्टर्स आते हैं, जैसे पोजीशन वेक्टर हो गया या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो रिप्रेजेंटेशन जो पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की आप लोग करोगे वो क्या होते हैं, तो पोजीशन वेक्टर देखो एक ऐसा वेक्टर होता है जो आपको स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बताता है, किसकी, किसी भी पॉइंट की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बताएगा विद रेस्पेक्ट टू ओरिजन। ओरिजन के रेस्पेक्ट में वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आपको बताता है, उसकी डायरेक्शन बताता है। कैसे, मान लो यदि मैं कहूँ कि ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये एक्स एक्सिस आपने लिया और एक वाई एक्सिस, कोई भी पॉइंट जो लाई करता है प्लेन में, कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई करता है, उस पी पॉइंट का आपको पोजिशन वेक्टर बताना है। कौन सा वेक्टर बताएंगे, पोजिशन वेक्टर, इस पी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर। तो वो वेक्टर पी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर, इससे हमारा मतलब क्या है, एक ऐसा वेक्टर जो पी पॉइंट की पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू ओरिजन कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दे। कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि उसकी डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितनी है और किस डायरेक्शन में है। तो ये जो वेक्टर है जिसको मैंने आर से लिखा, ये आर जो है इसकी लेंथ क्या बताती है, इसकी लेंथ बताएगी ओरिजन के रेस्पेक्ट में पी पॉइंट की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, और एरो बताता है किस दिशा में वो है, किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजन के रेस्पेक्ट में वो किस डायरेक्शन में है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फिर किसे बोलेंगे, ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर आ गया, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट देखो, यदि पार्टिकल मूव करता है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो वो कुछ समय के बाद किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर होगा। मान लेते हैं कौन से पॉइंट पे होगा, क्यू पॉइंट पे होगा। और ये जो वेक्टर जो था आर क्यू, ये क्या बताता है, उसकी पोजीशन बताता है कुछ समय के बाद, जब उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, इनिशियली वो था पी पॉइंट पे, कुछ समय बाद उसने पोजीशन चेंज कर ली क्यू पॉइंट पे, तो जब पोजीशन उसकी बदल गई तो उसका पोजीशन वेक्टर भी चेंज होगा, और वो पार्टिकल जो अपनी ओरिजिनल से कितना डिस्प्लेस होगा, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर आपको बताया, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको क्या बताता है, वो बताता है किसी भी पार्टिकल की पोजीशन में जो चेंज आया, वो जो पार्टिकल वो बताता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कितना चेंज आया और किधर वो चेंज हुआ। तो ये मान लिया ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। और भी कुछ वेक्टर्स की टाइप्स आती हैं, टाइप्स पे बात करते हैं। देखो दो वेक्टर्स होते हैं, एक पोलर वेक्टर्स होते हैं और एक एक्सियल वेक्टर्स होते हैं, एक पोलर वेक्टर और एक एक्सियल। पोलर वो होते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट जो फिक्स होता है, इनिशियल पॉइंट हम ये कह सकते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट नॉन हो एक प्रकार से, वो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे पोलर वेक्टर्स। जिनका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होती है वो होते हैं पोलर
वेक्टर्स, और एक्सियल वेक्टर वो होते हैं जो एक्सियल जो किसी बॉडी को रोटेट करवाते हैं अबाउट द एक्सिस, रोटेट करवाते हैं अबाउट एक्सिस। जैसे कोई भी बॉडी रोटेट करती है तो जो वेक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए वो कहलाएंगे एक्सियल वेक्टर्स, मतलब इनका इफेक्ट होता है वो रोटेशनल इफेक्ट होता है। टाइप्स अब हम पढ़ेंगे कुछ वेक्टर्स की टाइप्स, लेकिन उससे पहले जो वेक्टर हमने रिप्रेजेंट किया था ये वेक्टर ए है। इस वेक्टर ए को आप लोग लिख सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को यदि अलग अलग करके लिखें तो आप लोग लिखेंगे मॉडुलस ऑफ ए और इनटू ए कैप। ये था वेक्टर ए का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन आ गई। ये कंप्लीट वेक्टर है और जो मॉडुलस ए है वो मॉडुलस जो था वेक्टर ए का वो मॉडुलस बताता है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यदि आपको सिर्फ इतना लिखा मिले तो इस ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यदि आपको सिर्फ इतना लिखा मिलता है ये है यूनिट वेक्टर अलोंग ए, अलोंग ए, ए वेक्टर के अलोंग ये क्या है यूनिट वेक्टर है। ध्यान दें इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है और ये है ही डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन है ये है वेक्टर ए की। मैग्नीट्यूड कंप्लीट वेक्टर बनेगा मैग्नीट्यूड और साथ में उसकी क्या है डायरेक्शन है, तभी तो कंप्लीट वेक्टर बनेगा। तो यहां मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिला दिए यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मींस इस वेक्टर का जो ए कैप है इसका मैग्नीट्यूड कितना है यूनिट है, यूनिट का मतलब वन। तो किसी भी यूनिट वेक्टर चाहे वो कोई भी यूनिट वेक्टर हो हर यूनिट वेक्टर आपको डायरेक्शन बताता है पेरेंट वेक्टर की, और हर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो वन ही होगा। यदि आपको ये कहा जाता है कि ए प्लस बी, मान लेते हैं ये कोई वेक्टर बनता है और इसकी भी यदि आपको ये दिया गया तो ये है ए प्लस बी, मतलब ए और बी वेक्टर्स को जोड़ने के बाद उनका जो नया वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और यदि कैप लिखा हो तो फिर क्या होगा वो उस वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। तो ये ध्यान रखें कि ये मॉडुलस जो होता है ये मैग्नीट्यूड होता है और जो कैप जो होती है वो डायरेक्शन बताती है, मतलब ए कैप जो है उसका मैग्नीट्यूड वन है और ए कैप जैसे लिखा गया यूनिट वेक्टर तो ए कैप भी वेक्टर ही है लेकिन इसकी इसका मैग्नीट्यूड कितना वन और इसकी डायरेक्शन किधर है, ये किसका यूनिट वेक्टर है ये ए का यूनिट वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी किधर होगी ए की तरफ होगी। यदि ये बी कैप क्या है इसका मैग्नीट्यूड कितना, हर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट ही होता है वन ही होता है लेकिन इस बी कैप की डायरेक्शन किधर है बी की तरफ है। यदि आप लोग सी कैप लिखते हो तो सी की डायरेक्शन किधर है सी, सी कैप का मतलब क्या है सी की डायरेक्शन जो है सी की डायरेक्शन सी वेक्टर की तरफ है और मैग्नीट्यूड उसका कितना होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा वन के बराबर। तो ये था रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ मॉडुलस क्या होता है वेक्टर का और ये जो उसकी यूनिट वेक्टर डायरेक्शन क्या होती है। यहाँ से आप यदि आपको कहीं डायरेक्शन निकालनी पड़े मतलब आपको यदि किसी गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपको चाहिए तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। कैसे करेंगे इसको, इसको करने के लिए आप कहेंगे कि जो ए वेक्टर जो बराबर था दैट इज इक्वल्स टू मॉडुलस इनटू ए कैप, तो यू हाउ टू फाइंड आउट ए कैप देन ए कैप इज इक्वल टू मॉडुलस सॉरी इसको आप नीचे लेके आएंगे तो वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, ये आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो किसको, इसमें यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हो। तो आगे कुछ और भी टाइप्स आती हैं जैसे इक्वल वेक्टर्स किन्हें बोलेंगे हम, तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स हो गए, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। तो बात यदि करें इक्वल वेक्टर की बात करते हैं तो दो वेक्टर्स को आप तभी इक्वल बोलेंगे यदि दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों की डायरेक्शन सेम हो। ध्यान दें स्केलर क्वांटिटीज सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर चलती है, वेक्टर्स के केस में यदि आप कहते हो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी
ये आप लोग सिर्फ उसी केस में लिख सकते हो यदि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। और इक्वल कब बोला जाएगा, जब उनकी डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो। और किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन थी, डायरेक्शन किससे बताएंगे, डायरेक्शन बताएंगे उसके यूनिट वेक्टर से जो यहां दिया गया है। तो ए की डायरेक्शन बताएंगे किससे, ए की डायरेक्शन क्या है, ए कैप है, और बी की डायरेक्शन क्या है, बी कैप है। यदि ऐसा है कि दोनों की डायरेक्शन और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो आप ये लिख सकते हो, तो ये होंगे इक्वल वेक्टर्स। यदि यदि इनमें से कोई भी चीज जो है अनइक्वल के केस में, अनइक्वल वेक्टर्स के केस में हो सकता है कि मैग्नीट्यूड बराबर ना हो, और हो सकता है मैग्नीट्यूड बराबर हो लेकिन डायरेक्शन सेम ना हो, तो उस केस में भी आप लोग क्या कहेंगे, अनइक्वल कहेंगे। यदि दोनों में से कोई भी चीज इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो आप उसको अनइक्वल बोलेंगे। तो दूसरे केस में आता है नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट आर नेगेटिव वेक्टर्स। तो नेगेटिव जो वेक्टर्स होंगे उस केस में ध्यान देना, यदि ए इज इक्वल्स टू माइनस बी, ये माइनस क्या है, ए का नेगेटिव हो गया। देखो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है वेक्टर नोटेशंस में ऑपोजिट डायरेक्शन को, ऑपोजिट डायरेक्शन को। इसका मतलब होगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन ए कैप इज माइनस ओ बी कैप, मतलब ए की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम होगा। नेगेटिव वेक्टर्स के केस में डायरेक्शंस अपोजिट होंगी, अपोजिट होंगी। मैं नहीं कह रहा कि ये जैसे एक वेक्टर, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो क्या ये नेगेटिव वेक्टर्स हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट नहीं है। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार से होते, ये वेक्टर ए होता, ये वेक्टर बी होता, अब देखिए, और कंडीशन यही होती, तो हम कह सकते थे कि अब इस केस में ये दोनों वेक्टर्स नेगेटिव वेक्टर्स हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट है, तो इसलिए आप इसको कह सकते थे, नेगेटिव वेक्टर्स बोल सकते थे। आगे एक और भी आता है इसमें, जैसे और जो वेक्टर्स आते हैं वो आते हैं कि एक वेक्टर आता है फ्री वेक्टर, क्या होगा फ्री वेक्टर का मतलब ये है कि जिसका कोई फिक्स्ड वेक्टर क्या है, फिक्स्ड वेक्टर क्या है, जिसका कोई फिक्स पॉइंट होता हो, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, फिक्स होता हो, लोकलाइज्ड वेक्टर भी बोलते हैं। और देखो फ्री और फिक्स्ड में अंतर यही है, फ्री वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता, जबकि फिक्स्ड वेक्टर्स के केस में इनिशियल पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। ओके, अब और वेक्टर्स आते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होंगे, तो कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होंगे, नाम बता देता है, को मींस सेम और प्लेनर मींस प्लेन, ऐसे वेक्टर्स जिनका प्लेन सेम हो। अब ये कहते हैं हम, मान लो ए और बी ये दोनों हैं, इन दोनों वेक्टर्स का जो प्लेन है वो बोर्ड में लाई करता है, पेपर में लाई कर रहा है, बोर्ड में लाई कर रहा है, तो ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं ये दोनों। और यदि मैं एक थर्ड वेक्टर लेता हूं विच इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, ये जो थर्ड वेक्टर मैंने यहां लिया, ये अब तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर नहीं है, क्योंकि इन दोनों का प्लेन क्या है, बोर्ड है, और ये जो सी वेक्टर था ये कहां आ गया, प्लेन से बाहर आ जाता है, तो ये कोप्लेनर नहीं होंगे। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होंगे, ये केस था कोप्लेनर वेक्टर्स का। और अब आता है को इनिशियल वेक्टर्स क्या होंगे, को इनिशियल वेक्टर्स, तो को इनिशियल वेक्टर्स किसे बोलेंगे, ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, को मीन्स सेम, इनिशियल मीन्स इनिशिएशन, स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, जैसे ये वेक्टर्स थे, ये दोनों क्या है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है, तो इस प्रकार के वेक्टर्स को नाम दिया गया है को इनिशियल वेक्टर्स। क्लियर, तो को टर्मिनस वेक्टर्स भी आते हैं, को टर्मिनस जो एक ही पॉइंट के ऊपर खत्म हो जाए, जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी, इनका टर्मिनेशन जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है वो टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम है, तो इन वेक्टर्स को भी क्या कहा गया है,
इनको भी बोला जाता है कोटर्बिनस वेक्टर्स, इनको कहेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट वेक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।